आज हम बात करेंगे एलसीआर के लास्ट टॉपिक की, मतलब फेजेस कर्व का जो लास्ट टॉपिक है एलसीआर, उसकी बात करेंगे। हमने प्योर के तीन कर लिए, प्योर रेजिस्टेंस, प्योर कैपेसिटर, प्योर इंडक्टेंस, फिर आरएल कर लिया, फिर आरसी कर लिया। हम मिक्स बात करते हैं कि हमारा सर्किट है एलसीआर, मतलब उसके अंदर एक एल भी लगा हुआ है, एक आर भी लगा हुआ है और एक सी भी लगा हुआ है। जैसे डायग्राम की बात करें तो ये आर लगा हुआ है रेजिस्टेंस, ये इंडक्टेंस लगा हुआ है, और एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और ये हमारा सोर्स लगा हुआ है। इसकी वोल्टेज है वी जीरो साइन ओमेगा टी। हमें निकालनी क्या है, वोल्टेज और करंट की इक्वेशन निकालनी है। मैं किरचॉफ के लॉ से तो पहले वोल्टेज की इक्वेशन निकालता हूँ, वी माइनस वी एल सी आर इक्वल जीरो, वी इज इक्वल वी एल सी आर, वो वैल्यू हो जाएगी वी जीरो साइन ओमेगा टी। फिर हम बात करते हैं कि हमें ही पता है कि यार ये सोर्स जो है वो तीनों वोल्टेज जितने आगे डिवाइस लगे उन्हीं पर वोल्टेज देगा। अगर सब में अलग अलग वोल्टेज निकालनी है तो मुझे करंट की इक्वेशन लेट करनी पड़ेगी कि सर्किट में करंट कितनी फ्लो हो रही है, आई जीरो साइन ओमेगा टी, क्योंकि यही करंट क्या होगी आगे सब में जाएगी। तो वी आर की इक्वेशन, वी एल की इक्वेशन और वी सी की इक्वेशन इस करंट के बेस पे बनेगी। जब आपने आर केस किया था तो आपको पता है कि आर के अंदर कोई डिफरेंस होता ही नहीं है, ये ओमेगा टी पे है तो ये भी ओमेगा टी पे होगा। वी एल की बात करें तो इसके अंदर वोल्टेज आगे चलती है, ये बनेगा पाई बाई टू, और उसकी बात करें तो वोल्टेज पीछे चलती है तो ये बनेगा माइनस पाई बाई टू। अब मैं बात करता हूं कि इसको, इन वोल्टेज को अगर मैं ग्राफ में शो करूं, ये मान लिया वी आर है, 90 आगे वी एल है, 90 पीछे वी सी है। अब तीन केस बनेंगे, एक बार तो वी एल ज्यादा होगा वी सी से ताकि इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर जा सके, इसको मैं दिखा रहा हूं रेड पेन से। जब ये केस चलेगा जब वी एल ज्यादा होगा वी सी से, दूसरा केस जो मैं ग्रीन पेन से दिखा रहा हूं जिसके अंदर वी सी ज्यादा होगा किससे, वी एल से, और तीसरा केस जो होगा जो मैं ब्लू से दिखा रहा हूं जब वी एल और वी सी बराबर होंगे। ये आपका फर्स्ट केस है, ये आपका सेकंड केस है, ये आपका थर्ड केस है, और इसी थर्ड केस से नया टॉपिक बनेगा, नेक्स्ट टॉपिक वो बनेगा रेजोनेंस। मैं फर्स्ट केस की बात करता हूँ, फर्स्ट केस में आपने बोल ही दिया कि वी एल ज्यादा है, तो वी एल ज्यादा है तो उसमें सारा रेड सी शो कर रहा हूँ ताकि पता लग जाए कि जो रेड सी किया है वो फर्स्ट केस किया है। इन दोनों का रिजल्टेंट वी सी और वी एल, इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो वी एल ज्यादा है इसलिए ऊपर जा रहा है, और ये रिजल्टेंट दोनों का इधर वी आर जा रहा है, ओवरऑल रिजल्टेंट जो है वो यहाँ जा रहा है वो है वी जीरो, और इस वाले वेक्टर को मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। ये है वी एल माइनस वी सी और ये एंगल जो है वो फाई है। अगर मैं यहाँ से बढ़ाऊँ क्या बोलते हैं वेक्टर वाला रूल लगाऊं तो वी आर वैक्टर, रुको रुको वेट, तो यहाँ पर मैं सेकेंड केस भी करेंगे इसलिए मैं नीचे करता हूँ इसका। तो अगर मैं यहाँ लगाऊ रूल वेक्टर रूल लगाऊ फर्स्ट केस के अंदर, केस फर्स्ट की बात करें तो वी आर वैक्टर प्लस वी एल माइनस वी सी, यह ज्यादा लिया आपने वो इक्वल है वी जीरो के। अगर वैल्यू की बात करें हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो वी एल माइनस वी सी की होल स्क्वायर। अगर मैं वैल्यू पुट करूं वोल्टेज की, वोल्टेज की वी इक्वल क्या होता है आई आर, ये बन जाएगा आई जीरो आर, ये बन जाएगा आई जीरो एक्स एल और ये बन जाएगा आई जीरो एक्स सी। अगर पूरे में से आई बाहर लेंगे तो आई जीरो स्क्वायर बन के बाहर आ जाएगा, अंदर बन जाएगा आर स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ये आ गया वी जीरो स्क्वायर। आई जीरो स्क्वायर को में चला जाएगा और ये बन जाएगा जेड यानी इम्पीडेंस, आर स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स सी की होल स्क्वायर। इसी से मैं बना सकता हूँ रेजिस्टेंस ग्राफ। रेजिस्टेंस ग्राफ कैसे, ये हमारा आर हो गया, 90 आगे एक्स एल हो गया, 90 पीछे एक्स सी हो गया, और आपने बोला है कि इस बार एक्स एल ज्यादा है एक्स सी से, इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो जेड हो गया, ये एंगल फाई हो गया। इस वाले वेक्टर को मैं अगर यहाँ ड्रॉ कर लूँ तो ये आ गया एक्स एल माइनस एक्स सी, यहाँ पर है आर। तो अगर मैं वोल्टेज वाले ही ग्राफ से बढ़ाऊं तो वी परपेंडिकुलर हो गया वी एल माइनस वी सी, बेस हो गया आर वी आर। अगर इनकी वैल्यू पुट करूं आई जीरो एक्स एल, आई जीरो एक्स सी, आई जीरो आर, आई जीरो कट जाएगा, ये बन जाएगा एक्स सी एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन में आर। और अगर आपको ये जो आपने बनाया है ऊपर रेजिस्टेंस का, यहाँ से भी टेन निकालोगे डायरेक्ट यही आएगा, और ये जो टेन पाई है ओवरऑल वोल्टेज और ओवरऑल करंट के बीच का एंगल है,
इसको समझाने के लिए मैं काम करता हूँ, फेजेस ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, इस कंडीशन का फेजेस ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। ये कंडीशन आपने क्या बोली है, ये आपका मान लो वी आर है, 90 आगे वी एल है, 90 पीछे वी सी है, और आप कह रहे हो कि वी एल ज्यादा है वी सी से, इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो वी जीरो है। और अब एक चीज सोचो कि करंट कहां जाएगी, करंट की बात करें तो इस केस को ध्यान से देखते हैं, इस केस को ध्यान से देखते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा करंट कहां जाएगी। अब आप कह रहे हो कि एक तो करंट के बराबर चल रहा है, एक करंट से आगे चल रहा है और एक करंट से पीछे चल रहा है, और फर्स्ट केस में हैवी कौन है, वीएल हैवी है, वीएल ज्यादा इफेक्टिव है, वीएल इफेक्टिव है तो वो वोल्टेज को आगे लेके जाएगा, यानी वोल्टेज ओवरऑल इन तीनों के जुड़ने से, वीएल के आगे होने से ओवरऑल वोल्टेज आगे चलेगी, करंट पीछे चलेगी, इसीलिए हम इस फेजेस कर्व में करंट को इस वोल्टेज से थोड़ा सा पीछे दिखाएंगे, और इसकी वैल्यू तो है मैग्नीट्यूड जो है वोल्टेज से कम होगी, ये जो डिफरेंस है वो आपका फाई है। अब हम बात करते हैं सेकंड केस की, सेकंड केस मैं इसको ग्रीन से शो कर रहा हूँ सारे को। अब आपने बोला है कि वीसी ज्यादा है वीएल से, तो रिजल्टेंट जो है वो सारा डाउनवर्ड चला जाएगा, वो रिजल्टेंट हो गया वी जीरो, इस फैक्टर को मैं यहाँ ले आया, ये हो गया आपका वी सी माइनस वी एल। अब सारा केस बस वैसे चलेगा, इसमें बस वी सी आगे हो जाएगा, कैसे वो देखते हैं। पहले बनाते हैं वेक्टर रूल से, वेक्टर रूल की बात करें अगर, तो आपने देख लिया कि वेक्टर रूल के अंदर क्या था कि वी आर वेक्टर, अब ज्यादा कौन सा है वी सी, तो वी सी माइनस वी एल, मैं एल को कर्सिव में लिख रहा हूँ ताकि सी और एल सेम ना दिखे, वो इक्वल होगा वी जीरो वेक्टर के। मैग्नीट्यूड की बात करें तो वी जीरो स्क्वेयर इक्वल वी आर स्क्वेयर, और इस पूरे की स्क्वेयर वी सी माइनस वी एल की स्क्वेयर। वोल्टेज को पुट करते हैं करंट के फॉर्म में, आई जीरो आर, आई जीरो एक्स सी, आई जीरो एक्स एल, आई जीरो बार आके आई जीरो स्क्वेयर बनेगा, आई जीरो स्क्वेयर बार आ जाएगा तो ये बन जाएगा आर स्क्वेयर एक्स एल माइनस एक्स सी, एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वेयर, और ये आई जीरो स्क्वेयर फॉर्म में जाएगा वोल्टेज के, तो ये रेजिस्टेंस बनेगा, और ये सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होगा यहाँ पर, इम्पीडेंस होगा क्योंकि सिर्फ आर नहीं लगा हुआ। और अगर हम वो टेन फाइव निकालें, टेन फाइव आपको वहां से आएगा एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन आर, अगर यहाँ पे करंट वैल्यू पुट करें, ये तो मैंने डायरेक्ट इसी से बना दी। अगर मैं वोल्टेज की बात करूं, ये बनेगा वी सी माइनस वी वी एल अपॉन में वी आर, और वोल्टेज अगर वोल्टेज की अगर वैल्यू पुट करें आई जीरो एक्स सी, आई जीरो एक्स एल, आई जीरो आर, आई जीरो कट जाएगा तो एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन में आर, ये आपका टेन फाइव आ जाएगा। और इस रेजिस्टेंस की इक्वेशन से अगर ग्राफ बनाएं तो ये आर हो गया, 90 आगे एक्स एल हो गया, 90 पीछे एक्स सी हो गया, रिजल्टेंट आप बोल रहे हो कि एक्स सी ज्यादा है तो ये ओवरऑल यहाँ जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों रिजल्टेंट यहाँ जो आएगा वो जेड हो गया, और यहाँ से निकालोगे तो आपका ये टेन फाइव यही आएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर इसके फेजेस ग्राफ की बात करें तो ओवरऑल वोल्टेज आगे होगी करंट आगे होगी वो देखते हैं। मैं वी आर को थोड़ा ऊपर ले रहा हूं, उसका रीजन क्या अभी आपको पता लग जाएगा, 90 आगे वी एल है, 90 पीछे वी सी है, और इस बार जो है वी सी ज्यादा है वी एल से, इनका रिजल्टेंट जो है वो वी जीरो है। अब कैपेसिटर जब ज्यादा होगा, कैपेसिटर जब ज्यादा होगा क्योंकि आपने बोला वी सी ज्यादा है, कैपेसिटर की वोल्ट कैपेसिटर आगे है, कैपेसिटर अगर आगे है इंडक्टेंस से तो कैपेसिटर के अंदर करंट आगे रहती है, तो इसके अंदर करंट जो है वो वोल्टेज से आगे चलेगी, मैग्नीट्यूड में चाहे कम हो सकती है, ये जो डिफरेंस है फाई है। ऐसा क्यों है मैं आपको इक्वेशन से बता देता हूँ। यहाँ देखें कि अब आप बोल रहे हो कि कैपेसिटर आगे है, कैपेसिटर आगे है, ये कैपेसिटर की वोल्टेज है, ये इंडक्टेंस की वोल्टेज है, और ये वोल्टेज जो है वो आगे चल रही, ये वाले जो वोल्टेज है ये वी एल से ज्यादा है, वी एल से ज्यादा वी सी इफेक्टिव है, अगर वी सी इफेक्टिव है तो ये वाले जो वोल्टेज है वो ओवरऑल पीछे करेगी, इसका मतलब करंट को आगे कर देगी। थर्ड केस की बात करते हैं, दोनों इक्वल होंगे तब क्या होगा, जब वी एल वी सी इक्वल होंगे तो अपना जो सर्किट है वो इस तरह बनेगा कि ये वी आर था, ये वी एल था, ये वी सी था, मैं इसको ब्लू से दिखाता हूं ना, तो ये जितना है उतना ये है
ओवरऑल इसका इसका इफेक्ट खत्म हो गया, रिजल्टेंट वोल्टेज जो है वो रेजिस्टेंस के अंदर जाएगी, इसका मतलब एलसीआर होने के बाद भी वो एक आर की तरह काम करेगा, और आर की तरह काम करेगा तो आपको पता है कि उसकी जो करंट है उसके अंदर और वोल्टेज के अंदर कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि प्योर आर के केस में करंट और वोल्टेज दोनों सेम एंगल पे चलते हैं, फेज डिफरेंस जीरो होता है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो प्योर आर की तरह बन जाएगा, जिसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ कि दोनों के दोनों क्या है, एक ही एंगल पे है, ये वी जीरो है, ये आई जीरो है, दोनों के दोनों ओमेगा टी एंगल पे है, क्योंकि वीएल और वीसी खत्म होने से, अगर हम बात करें ऊपर वीएल और वीसी खत्म होने से क्या होगा कि ये पूरा सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, ये सारा ये वाला जो सारा ऑप्शन है खत्म हो जाएगा, वी जीरो स्क्वेयर सिर्फ वी आर स्क्वेयर के इक्वल आ जाएगा, जेड स्क्वेयर इक्वल आर स्क्वेयर के इक्वल आ जाएगा, ये सारा कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब इस सर्किट के अंदर एलसीआर के अंदर जो करंट है वो करंट मैक्सिमम होगी इस कंडीशन में, और रेजिस्टेंस जो है सबसे कम होगा क्योंकि वो सिर्फ आर के इक्वल है, रेजिस्टेंस मिनिमम होगा और करंट मैक्सिमम होगी, ये जो सिचुएशन है इसको बोलते हैं रेजोनेंस सिचुएशन, ये एलसीआर की रेजोनेंस सिचुएशन है, और ये कब आती है इसके लिए हमें काम करते हैं, अब आप बोल रहे हो कि एक्सएल और एक्सी खत्म हो जाएंगे, रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ आर के इक्वल है, तो एक्सएल की वैल्यू अगर आपको याद हो ओमेगा एल, एक्सी की वैल्यू क्या आती है ओमेगा सी, यहाँ से ओमेगा को एक तरफ करने तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल 1 बाय एल सी, ओमेगा इक्वल आ जाएगा 1 बाय रूट एल सी, ओमेगा होता है 2 पाई एफ या फिर 2 पाई अपॉन टी, 1 अपॉन टी को फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूँ, यहाँ से फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ रहा है 1 अपॉन 2 पाई रूट में एल सी, और ये फ्रीक्वेंसी है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, क्योंकि अगर मान लो सर्किट के अंदर ये फ्रीक्वेंसी अगर फ्लो कर रही है तो वहां गारंटी है कि एलसीआर होने के बाद भी वो एक आर की तरह काम करेगा, एल और सी का इफेक्ट खत्म हो जाएगा।